हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी क्विक और इजी रेसिपी जिसके लिए हमें सिर्फ दूध की ज़रूरत पड़ेगी और इसको कोई भी रेडी कर सकता है। जब शाम को आप चाय पिए तो उसके साथ इसको ज़रूर रेडी कर लें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं यहाँ पर डाल दी हूँ 2 टेबल स्पून घी। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मेल्ट होने देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो विदाउट घी भी इसको बना सकते हैं, सिर्फ रोस्ट करके। और यहाँ पर देखिए घी मेल्ट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें मखाने ऐड कर रही हूँ। मखानों को ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर हमें इनको रोस्ट करना है। तब तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे जब तक ये एकदम क्रंची ना हो जाए। अगर आप इसको बीच में से उठाकर तोड़ेंगे तो एकदम ये बहुत ईजीली टूट जाएगा। अगर आपका सॉफ्ट रहता है तो आप 2 मिनट के लिए थोड़ा और इसको पका लें। फ्लेम आपको यहाँ पर लो ही रखना है। इस बात का ध्यान रखें अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो जल जाएंगे। जब इसमें एक लाइट गोल्डन सा कलर आने लगे तो उस स्टेज पर आपको क्या करना है, आप चाहते हैं तो गैस का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं, ऑफ़ करने के बाद इसमें मसाला मिलाएं। और अगर नहीं हुआ है तो गैस का फ्लेम ऑन ही रखें बट बिल्कुल लो रखना है। मैंने यहाँ गैस का फ्लेम लो ही किया हुआ है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मसाला है मैजिक। आप चाहते हैं तो आप इसमें सिंपल मसाले भी ऐड कर सकते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी या फिर चाट मसाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये हमारी झटपट से रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसको चाय के साथ या फिर जब कोई मेहमान आ जाए घर पर अचानक से तो आप इसको रोस्ट करके रख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। सिर्फ सिंपल इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किए हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं किया। और यहाँ पर हमारा ये मज़ेदार से मसाला मखाना बनकर रेडी हो चुके हैं और अब मैं इनको सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म सी चाय के साथ। बारिश के मौसम में बहुत मज़ेदार लगती है। आप इंजॉय करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।